चौहान, आप सभी दर्शकों का प्यार बनाए रखने के लिए धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही प्यार देते रहे और देखते रहे ट्रैवल इंडिया टीवी। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, धन्यवाद। नमस्कार, अभी हम लोग इन दिनों अंडमान निकोबार में हैं और ये अंडमान निकोबार बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। यहाँ कई ऐसी चीजें हैं, हालांकि ये अंडमान निकोबार को काला पानी की सजा माना जाता था। अंग्रेज जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हमारे देश के हुए हैं, उनको सजा देने के लिए यहाँ लाए थे और यहाँ इन अंडमान निकोबार में छोड़ दिया गया था, क्योंकि ये चारों तरफ समुद्र है और यहाँ से प्लेन जगह जो होते हैं वो बहुत दूर होता है, तो यहाँ से आप भाग भी नहीं सकते। तो जो हमारे जिनको वो क्रिमिनल मानते थे, खूंखार क्रिमिनल, आतंकवाद उनके शब्दों में, अंग्रेजों के शब्दों में हुआ करते थे, उनको ये यहाँ लाकर छोड़ देते थे। जो कि हमारे फ्रीडम फाइटर थे, वो हमारी देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उनको यहाँ छोड़ा गया। फिलहाल अब तो ये सब कुछ बदल गया है अंडमान निकोबार में, एक खूबसूरत टापू हो गया है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो गई और ये यूनियन टेरिटरी में मतलब आता है अंडमान निकोबार। हमारे गृह मंत्रालय के अधीन ये काम करता है, भारत सरकार के अधीन काम करता है और हम अब विकास भी देख रहे हैं। हमारे साथ दो लोग हैं, सुदर्शन राव जी और उनके ब्रदर राव साहब हैं, ये यहाँ PWD में रहे हैं, रिटायर हुए हैं। आप मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डायरेक्टर रहे हैं और ये स्थानीय लोग हैं। तो अब चूंकि इनकी उम्र भी हो गई है, तो ये अंडमान को उस समय से देखा है जब यहाँ कुछ नहीं हुआ करता था और आज कितना परिवर्तन हो गया है अंडमान निकोबार में। तो ये हम आपको सारी चीज़ें इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि अभी हम लोग जहाँ पर हैं वो नेताजी स्टेडियम है और ये एक बहुत ऐतिहासिक स्थल है, क्योंकि हम उस स्थान पर ले जा रहे हैं जहाँ नेताजी जब आए थे और उन्होंने झंडा फहराया था 1943 में, तो 30 दिसंबर 1943 में उन्होंने ये जापान से जाने के पहले फहराए थे या जापान से आने के बाद फहराए थे? सिंगापुर से आए थे। सिंगापुर से 21 अक्टूबर को जो आज़ाद भारत का घोषण किया था उन्होंने, घोषण करने के बाद में फिर पहली बार जो है हिंदुस्तान का ये पहला छोर था जहाँ पे जो है आज़ादी का पहला झंडा फहराया गया था जी नेताजी। हम वहाँ चले जी और वहाँ चल के बात करें तो आइए आप मेरे साथ, हम लोग वहाँ चलते हैं जहाँ ये झंडा फहराया गया था। ये स्थान है, ये वो स्थान है, हम देखकर रास्ता क्रॉस करेंगे। ये है जहाँ नेताजी 30 दिसंबर 1943 में यहाँ उन्होंने झंडा फहराया था। ये आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है और हम अपने कैमरामैन लोगों को कहेंगे कि आप दोनों दिखाइए यहाँ क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। आप चले जाएँ और जाकर दिखाइए कि ये ऐतिहासिक स्थल कैसा है, वो आप दिखाइए। नेताजी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, आप वो दिखाइए इनको कि नेताजी के बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो आज़ाद हिंद फौज के तत्कालीन सरकार के प्रमुख थे, उन्होंने 30 दिसंबर 1943 को यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया। तो ये जगह है जहाँ अभी हम खड़े हैं और ये स्थान एक ऐतिहासिक है। बताइए राव साहब, आप बताइए कि ये क्या जगह, कैसे क्या है, इसके बारे में कुछ खासियत बताइए। यहीं पर नेताजी चंद्र बोस जी ने पहली बार जो है ना हिंदुस्तान का ये पहला छोर है जहाँ पे पहली बार आज़ाद हिंद हिंदुस्तान का जो झंडा फहराए थे। सबसे पहले उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 से सिंगापुर से घोषणा किए थे गवर्नमेंट इन एग्जाइल। उसके बाद जो है जापानीज़ के द्वारा उनके मदद से वो यहाँ आए थे, यहाँ दो दिन ठहरे थे और 30 दिसंबर को जो है 1943 को यहाँ पे आज़ाद हिंदुस्तान का झंडा फहराए थे। इसीलिए ये स्थान जो है बहुत ही ऐतिहासिक है। इसके बाद इस आइलैंड को जो है जापानीज़ लोगों ने पहले कब्जा किया था, वो नेताजी को सौंप के गए थे, ठीक है जी। उसके बाद फिर नेताजी चले गए सिंगापुर।
जी। तो ये कितने दिनों के लिए हमारा ये आज़ाद जिसको कहेंगे ना, ये अंग्रेजों के अधीन था और उस समय भारत सरकार का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये कितने समय तक लिए अंग्रेजों के बाहर था? जी हाँ, 1943 से लेकर आज़ादी 1947 तक जो है ये कंप्लीट आज़ाद था। इसमें ब्रिटिशर्स भी नहीं थे क्योंकि जैपनीज लोगों ने सारे ब्रिटिशर्स को ख़त्म कर दिए थे, तो ये कंप्लीट अलग था हिंदुस्तान से। ये आप फिर से बताएं। इस आइलैंड को जो है ना जैपनीज ने जीता था सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय, जी 1942 से 45 तक यहाँ पे थे, तब जो है उन्होंने नेताजी को हैंडओवर कर दिए थे, उनके पार्लियामेंट में बकायदा अप्रूव करके जो है नेताजी को एज ए कमांडर इन चीफ करके उनके हवाले कर दिए थे, और 1947 तक ब्रिटिश यहाँ पे नहीं आ पाए थे। 47 के बाद में फिर जो है ब्रिटिश वो आके जो है फिर इस आइलैंड को जो है फिर उन्होंने कहा कि ठीक है यहाँ के जो जो कैदी जो जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको जो है आइलैंड सौंप के चले गए थे, क्योंकि भाई आप जो है इस आइलैंड के मालिक आप हो, आप जो चाहे हिंदुस्तान के साथ रह सकते तो हिंदुस्तान के साथ रहिए, या आप जैसे चाहेंगे आप हिंदुस्तान के साथ में समझौता करके रहिए करके, ये उस समय का जो है वो डिसीजन था ब्रिटिशर्स का। ये हमारे भारत देश का झंडा कब फहराया गया? ये भारत वो तो 1943 में नेताजी ने फहराए थे, उसके बाद फिर भारत का ही झंडा था यहाँ पे, लेकिन 1947 में जब फिर आज़ादी के बाद जैसे ब्रिटिश चले गए उसके बाद फिर जो है 1950 में जो संविधान जो इनेक्ट हुआ था फिर इसको जो अंडर यूनियन टेरिटरी में लाया गया, वो संविधान के तहत ला के फिर जो भारत का झंडा यहाँ पे फहराया गया, और जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे चलता है तब से प्रशासन। अभी हमारे पीछे दिखाएंगे बहुत ही पुराना ये अंग्रेजों को बनाया हुआ क्लब है, अभी भी वो क्लब से ही जाना जाता है, ये बिल्डिंग पुरानी है, उस समय की बिल्डिंग है ये, आप देखिए आइए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ ये पुरानी बिल्डिंग को, हम चाहेंगे कि आप दिखाइए इसको, आइए रास्ता क्रॉस कीजिए, ये बिल्डिंग है, ये अंडमान की पुरानी बिल्डिंग है ये। हाँ ये बताइए आप, इस बिल्डिंग का स्टोरी ऐसा है कि उस समय जब ब्रिटिशर्स का यहाँ राज था तो एक रिक्रिएशन क्लब हुआ करता था उनका, हाँ। जो यहाँ पे और अपना इवनिंग बिताने के लिए जो एक क्लब बनाए थे ब्रिटिश अपने लिए, फिर उसके बाद जो उनके जाने के बाद भी फिर हमारे यहाँ के जो है लोकल लोगों के जो हवाले देकर चले गए थे, तो उसके बाद जो यहाँ के लोकल लोग जो है इसको मेंटेन कर रहे हैं, अब जो है प्रशासन के अंडर यहाँ के अंडमान निकोबार प्रशासन के कंट्रोल में है ये क्लब जी। तो ये तो मैं अंडमान के बारे में एक पार्ट में बताया हूँ, ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक टूरिज्म भी है, अब तो बहुत कुछ डेवलप हो गया है, वो सारी चीज़ें हम ले जाएंगे एक एक करके आपको हम दिखाते जाएंगे। धन्यवाद। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें, साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.travelindiatv.com।